हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बिंग। आप मेरे टेबल पे देख सकते हैं दो स्ट्रीट लाइट है, एक 100 वाट का लैंप है और एक इसके अंदर बोर्ड है जो कि रिमोट के मदद से लाइट को कंट्रोल करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाया तो कैसे काम करता है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाना है इसको। तो मैं पावर दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने पावर दे दिया, इसको ऑफ करके रखा है। ये 12 वोल्ट DC से चलता है। तो अभी ऑन बटन दबाता हूँ। ऑन बटन दबाते ही देखिए तीनों लाइट चल रहा है। अभी मैं एक लाइट जलाना चाहता हूँ, तो ये एक लाइट, ये दूसरा लाइट, ये तीसरा लाइट और एक साथ सभी ये और अलग अलग कॉम्बिनेशन फैन। सपोज कीजिए ये ट्यूबलाइट है, ये फैन है, तो ट्यूबलाइट फैन एक साथ, ये नाइट लैंप फैन एक साथ, इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन भी है हमारे पास। ये एक RGB मॉड्यूल है जो कि RGB पिक्सल LED को, मतलब RGB LED को अलग अलग पैटर्न देने के लिए काम में आता है। उसको हमने यूज़ किया है, उसको यूज़ करके हमने किस तरीके से इस कंट्रोलर को बनाया है वही देखेंगे आज हम। तो एक बार इसका फ्लैशिंग मोड देख लेते हैं कि फ्लैशिंग मोड को हमने कैसे मैनेज किया है, जिससे कि हमारा ये फ्लिकरिंग नहीं हो रहा है। देखिए अगर हम फ्लैशिंग इसको दे तो हल्का सा आपको फ्लिकरिंग इन दोनों में देखने आपको मिलेगा, इस पर नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्मली लो फ्लैशिंग में हल्का हल्का होगा, मतलब अलग अलग पार्टी मोड भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मली तो एक एक करके आप ट्यूबलाइट फैन और जीरो लैम्प और एक साथ सभी और अलग अलग पार्टी मोड भी कर सकते हैं। ये काफ़ी काम का है, इस तरीके के इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर ये फिट हो जाएगा एक 12 वोल्ट के अडैप्टर के साथ और इस स्विच बोर्ड के साथ कनेक्शन हो जाएगा। तो मैनुअली भी ऑन करेंगे तो भी होगा और रिमोट से दबाएंगे तो भी हमारा फैन ट्यूबलाइट सब काम करेगा। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है, हमारे वर्किंग टेबल पर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसके अंदर हमने कैसे बनाया, चलिए बॉक्स को खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो बॉक्स को खोलने के बाद हमको देखने को मिल रहा है एक सर्किट। ये सर्किट को कंट्रोल करने के लिए इस रिमोट का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली में ये RGB मॉड्यूल है, आपको पता ही होगा। इस पर RGB LED लगा हुआ होता है, तीन फेज, मतलब तीन वायर आउट होता है और एक कॉमन वायर आउट होता है पॉजिटिव, और इससे हम दबाते हैं तो नेगेटिव वोल्टेज तीनों पे निकलता है, तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन पैटर्न बनता है। तो हमने किया इसी सर्किट को यूज़ कर लिया, इसके अंदर से इस सर्किट को निकाल के यहाँ पे देख सकते हैं, इसको निकाल के इसका जो आउटपुट होता है, एक तो कॉमन पॉजिटिव आउटपुट होता है, उसको सभी रिले को कॉमन कर दिया। और यहाँ पे हमने स्पीड कंट्रोल करने का कोशिश किया था लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ है, उसके बारे में बताएंगे कि क्यों इस तरीके का ऑप्टो कपलर का यूज़ करके हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रैक का फायरिंग एंगल के बारे में बताएंगे थोड़ा। यहाँ पे आपको LDR बेस ऑप्टो कपलर यूज़ करना पड़ेगा, हमारे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए ये पे शुद्ध ऑन ऑफ हो रहा है। अगर आपके पास LDR बेस ऑप्टो कपलर है तो हो जाएगा, ये ट्रैक बेस ऑप्टो कपलर है इसलिए यहाँ पे ये फैन का स्पीड रेगुलेट नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पे आपका स्पीड कम ज़्यादा मतलब नहीं हो रहा है, लेकिन जो ऑन ऑफ है वो हो रहा है, लेकिन ये फिर स्पीड कम ज़्यादा होगा अगर आप यहाँ पे एक LED लगाए यहाँ और इधर एक LDR लगाए और एक पाइप लगा दे तो हो जाएगा। हमारे पास अभी LDR अवेलेबल नहीं है इसलिए हमने इसको नहीं कर पाए, लेकिन फ्यूचर में जब चेंज करके दिखाएंगे तो इसका छोटा सा शॉट डाल देंगे। और यहाँ पे जो आउटपुट हुआ है बाकी दो फेज, यहाँ पे तो कॉमन पॉजिटिव यहाँ से आउट हुआ है और बाकी जो तीन ट्रांजिस्टर से नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। मेन IC से तो पॉजिटिव आउट हो रहा है लेकिन ये ट्रांजिस्टर के बेस पे यहाँ पे इसको नेगेटिव NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जिससे कि यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे नेगेटिव को ड्राइव कर रहा है, नेगेटिव वोल्टेज को ड्राइव कर रहा है, वही नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। उसको हमने एक को एक रिले पे दिया है, दूसरे को दूसरे रिले पे, और अगर जो आपका रनिंग मोड होता है, फ्लैशिंग मोड होता है, उस पर क्या होता है ऑन ऑफ मतलब हो जाएगा लाइट, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको कम करने के लिए हमने एक हाई वैल्यू का कैपेसिटर ऐड कर दिया है, 50 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड। इससे क्या होगा, ये करंट कभी जीरो नहीं होगा, जब ये ऑन ऑफ होगा तो इस पर चार्ज स्टोर होगा, इससे ये रिले ऑन हुआ रहेगा, मतलब कंटिन्यूअस कंडक्शन रहेगा, इसका पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप कभी जीरो पे नहीं पहुंचेगा। और यहाँ पे भी सेम है, ये ट्रैक का भी सप्लाई को हमने कैपेसिटर की मदद से फ्लक्चुएशन, मतलब ये मूड को बाईपास करने के लिए, ऑन रहने के लिए किया है। तो जब ये LED दबाता है तो एक रिले ऑन होता है
एक एलईडी जलता है, दूसरे पे दूसरा व्हाइट, मतलब तीनों कलर का मिक्सर होता है आरजीबी का, तो चारों जलता है और अलग अलग कलर पे अलग अलग कलर का मिक्सर होता है, तो अलग अलग पैटर्न पे जलता है ये दोनों का भी। ये दोनों ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने से इसका स्पीड कम ज़्यादा होगा, यहाँ पे ये ऑप्टो कपलर को चेंज करना होगा हमें, हमने बताया पहले ही। और यहाँ पे दो 12 वोल्ट का रिले यूज़ किया है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई लगेगा, एडाप्टर लगा सकते हैं। और यहाँ ये रहा है जो है आईआर रिसीवर, जो इससे रिसीव कर रहा है सिग्नल, सिंपल सर्किट है। तो इसका डायग्राम मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत होगा, आप समझ गए होंगे। और हाँ, एक रिले के अक्रॉस एक डायोड लगाना है, जो पॉजिटिव इनपुट हो रहा है वहाँ पे सफ़ेद पट्टी लगाना है, और जगह नेगेटिव इनपुट हो रहा है वहाँ पे ब्लैक पट्टी लगाना है। ये फ्री व्हीलिंग डायोड है, जब रिले ऑन ऑफ होता है ये कॉयल होता है इसके अंदर, तो ये ऑन ऑफ होने के टाइम DI/DT के कारण हाई वोल्टेज स्पाइक जनरेट करता है, ये ट्रांजिस्टर और आईसी को ख़राब कर सकता है। तो उसका फ्री करंट पाथ देने के लिए हर इंडक्टर, कहीं भी आप सर्किट में इंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उसके लिए एक फ्री व्हीलिंग डायोड ज़रूरी है, नहीं तो सर्किट का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को डैमेज करेगा। तो यही है सर्किट सिंपल, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव कॉमन है, यहाँ से पॉजिटिव कॉमन होके हमारा यहाँ पे सभी रिले के एक एक वायर्स पे, और यहाँ पे जो है एलईडी के एक वायर पे दे दिया है, और नेगेटिव तीन निकल रहा है, दो नेगेटिव एक रिले के यहाँ दूसरे वायर पे और एक रिले के दूसरे वायर पे, और रिले के दो वायर पे दो कैपेसिटर लगाया गया है, जिससे कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ होने पर भी यह रिले ऑन ऑफ ऑन ऑफ ना हो। और रिले के साथ एक डायोड लगाया है जो कि फ्री व्हीलिंग के लिए, जहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव इनपुट हो रहा है तो डायोड का ब्लैक साइड इधर होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है तो डायोड का व्हाइट साइड इधर होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक एलईडी के सीरीज में 1K का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा के इस एलईडी को दिया गया है, और यहाँ पे इंडिकेशन के लिए तीन आउटपुट से 3 1K का रेजिस्टेंस लगे, 3 LED दिया गया है जिससे कि ये इंडिकेट करे। और यहाँ पे जो ये LED है, ये यहाँ पे इस ये ऑप्टोकपलर का नंबर है, यह ट्रायक ऑप्टोकपलर है, मतलब इसके प्राइमरी में 3021 यह ट्रायक ऑप्टोकपलर है। इसके प्राइमरी में अगर आप सप्लाई देंगे LED होता है एक, और सेकेंडरी में एक ट्रायक होता है जो कि लाइट एक्टिवेटेड ट्रायक होता है। तो यहाँ पे ये वाला ट्रायक नहीं चलेगा, इससे क्या हो रहा है, एक बार ट्रिगर होने पर ये फायरिंग एंगल ट्रिगर होकर रह जा रहा है, मतलब एक ही ऑन हो जा रहा है। इसको आपको LDR से रिप्लेस करना है, क्योंकि ये एक फैन का रेगुलेटर का सर्किट है, उसको ही हमने यहाँ पे लगा दिया है खोल के, जो कि एक ट्रैक बेस BT136 फायरिंग एंगल को एडजस्ट करके इसका स्पीड कम ज़्यादा किया जाता है, वेवफॉर्म को चॉपिंग करके साइन वेव का। तो इस पर क्या हो रहा है, फायरिंग एंगल जब इस पर ऑन, ये सप्लाई आ रही है डायरेक्टली ऑन हो रहा है, और इसके अंदर का जो ट्रैक है ये ऑन होकर रह रहा है, मतलब इसके अंदर इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको LDR लगाना है, और LDR नॉर्मल LDR 40K का रेजिस्टेंस होता है, आपको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू का, मतलब 400K के आसपास का LDR लगाना पड़ेगा, या आप LDR बेस जो ऑप्टो कपलर है उसको लगा सकते हैं, इस पर नहीं होगा, ये ट्रैक वाले में प्रॉब्लम हो रहा है। तो सिंपल सर्किट है, तो चलिए इसको बनाइए आप, अगर आपको दिक्कत हो रहा है नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका डायग्राम दे दूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो छोटा सा टेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 12 वोल्ट DC इनपुट करना है, यहाँ पे देखिए चालू होने पर वो अपना फ्लैशिंग मोड दे रहा है, तो इसको ऑफ करना है फिर ऑन करना है, वाइट दबाने से सभी रिले चल रहा है। उसके बाद एक एक करके देखेंगे, ये वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, अलग अलग पैटर्न में, और फ्लैशिंग मोड भी होगा, लेकिन ये कैपेसिटर की वजह से इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इसलिए ये LED भी एब्जॉर्ब हो रहा है ये पावर, मतलब जब ये ऑफ हो रहा है तो ये कैपेसिटर डिलीवर कर रहा है पावर। तो इस तरीके से फ्लैशिंग मोड को हमने ओवरकम किया इस रिमोट पे, इस सर्किट को, मतलब एक्चुअली ये तो LED के लिए डिज़ाइन था, लेकिन हमने इसको अपने काम के अकॉर्डिंग यूज़ किया है। इसको मैं अब जब इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर फिट करूँगा उसका भी एक छोटा सा वीडियो डाल दूँगा, किस तरीके से रूम में काम कर रहा है। अभी तो मैंने आपको फुल लाइट टेस्ट करके दिखाया, वही सेम होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।